इंग्लैंड को इतने रनों से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचेगी टीम पाकिस्तान। इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान टीम को मिली पॉइंट टेबल में सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, आखिरकार इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचेगी टीम पाकिस्तान, साथ ही पॉइंट टेबल में कैसे मिली टीम पाकिस्तान को खुशखबरी, बताएंगे आपको सब कुछ आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वनडे विश्व कप 2023 में पाकिस्तान की टीम ने अपने आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर पॉइंट टेबल में लंबी छलांग लगाई है। पाकिस्तान टीम के लिए अब सेमीफाइनल के दरवाजे पूरी तरह से खुल चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान के लिए अगले मुकाबले में जीत बेहद ही जरूरी है, जहां पाकिस्तान का अगला मुकाबला अब इंग्लैंड के साथ होगा। आपको बता दें कि यह मुकाबला शनिवार 11 नवंबर को खेला जाना है। मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में किस तरह से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। दरअसल पाकिस्तान टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता बिल्कुल साफ है, अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देती है और पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ किसी भी तरह से जीत दर्ज कर लेती है तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में आसानी से पहुंच जाएगी। और अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में बारिश होती है और इस मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया जाता है तो भी पाकिस्तान इंग्लैंड को हराकर सीधा सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। और अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा देती है तो पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीत हासिल करनी होगी। फिलहाल न्यूजीलैंड पाकिस्तान से नेट रन रेट में 120 रन से आगे चल रही है। मान लीजिए कि न्यूजीलैंड श्रीलंका को 30 रनों से हराता है तो पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ 150 रनों से जीत हासिल करनी होगी, तब पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह बना सकता है। तो दोस्तों, यह है वो समीकरण जिससे पाकिस्तान की टीम अब इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।